दोस्तों, तो क्या बोल रहे ली बड्डा की पब्लिक, हम लोग वापस आ गए एक राजी की न्यू वीडियो के साथ में। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हम लोग ये डंडे के ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे और इसने मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करा था। और तो हम लोग जाना है, हमें शायद इधर जाना है, हम लोग इधर ही गए थे ना। देख रहे हो तीन तीन वो है भाई मेरे पे। हाँ, इसके पीछे गए थे हम लोग शायद। एक और मिल गया हम लोग को। अच्छा, ये मिल गया ना। तो अपने को चाहिए जलाने वाली पावर। अच्छा, मैं कौन सा भाई 3D वाला वो कर रहा था पता है अभी। बस इतना ही काम था। अरे भाई, क्या चीज का बना रहा है ये? तुम्हारी भैंस की। अरे अरे अरे, थूकता लड़की के ऊपर थूकता है, शर्म नहीं आती? पता है ना गवर्नमेंट ने थूकने के ऊपर बैन लगाया है। तेरी भैंस की। आ जा जा, छाती पे चिपकेगा, तेरी भैंस की टैन मारू। शर्म नहीं आती? देखो कोई बताएगा मेरे को जाना किधर है? भाई और तो कोई जगह ही नहीं है इधर। अच्छा ये है ना यार। भाई आवाज दिख रहे हो तुम पीछे से? क्या आवाज आ रही है? राजी किधर किधर कूद के मर जाती है यार तू। हमें वो आवाज का पीछा करना है कि कहां से आवाज आ रही है वो। भाई साहब आवाज तो खतरनाक आ रही है। ये आ रही है, फिर डंडा आ जाएगा यार। आज पता नहीं डंडे से क्या ऑब्सेशन है इसको, ये चढ़ती नहीं है भाई ये। अब की बार ये सही से कर लिया उसने। भाई साहब क्या ऐसे हैरी पॉटर की याद आ गई मेरे को तो पूरी। अब शायद हमें यहाँ पे नया वो मिलेगा। भगवान शिव, महादेव, आपने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं इस युद्ध को कैसे रोककर अपने भाई को बचा सकती हूँ? महादेव, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। ले, बेइज्जती कर रही है महादेव की, बेइज्जती कर रही है यार। ये देखते हैं इसकी। अरे 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 अरे, लड़की पे थूकता है, पता नहीं गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है थूकना। यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान चल रहे हो तो थूकने में लगा हुआ है बेशरम इंसान। वैसी बात तो डीमन है वो, फिर भी बेशरम डीमन। दादी पानी में नहीं कूदना था तेरे को, पता नहीं क्या है भाई इसको, अलग ऑब्सेशन है पानी से। पानी देखती नहीं बावली हो जाती है ये। राजी नहीं भाई, तुम आवाज देख रहे हो क्या? खतरनाक आवाज आ रही है यार। ये डंडे फिर आ गए भाई, ये डंडों से मेरे को छुटकारा चाहिए भाई साहब।
डंडे पागल कर देंगे ये। हवा की आवाज आ रही है सच्ची में, कोई इतनी देर से चिल्ला रहा है। फाइनली राजी, नाइस। दूसरा बच्चा उसका भाई, उसने महाबाला सूर के साथ बहुत समय बिताया है। मुझे इस बच्चे के लिए उसकी कोई योजना नहीं दिख रही। वो एक और मिल गया अपने को। सन की जीव है, वो राजी को हराने के लिए गोलू का इस्तेमाल करेगा, उसके प्यार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। उसे संभल कर रहना होगा। अरे हम है, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं राजी के साथ हूँ, मैं मारूंगा उसको। कौन है आलतू फालतू इंसान? बड़े नाखून वाले को तो मैंने मार दिया। हंस रहा है, हंस रहा है। हाँ चिपक जा, आजा आजा। चिपक रहा भाई। चढ़ जा राजी भाई। इसके जो ग्राफिक्स है ना वो बहुत सही है। राजी हल्का सा नीचे कूदना था। राजी हेलो भाई, अलग नशे में रहती है भाई। अच्छा वो नहीं है ना। जल्दी जल्दी राजी, जल्दी जल्दी जंप जंप। हाँ फुल एकदम फुल हवाबाजी। कुछ रह गया क्या? राजी पानी में नहीं कूदना तेरे को, सीधे सीधे जाना है ठीक है। कुछ रह गया है शायद इधर, बट इधर तो कुछ है ही नहीं। राजी सिर्फ एक ही बार चढ़ना है। राजी कूद मत। यार इधर नहीं है तो किधर जाना है? इधर जाना है क्या? अच्छा इधर भी दे रखा है। अरे भाई ये भी है क्या? अच्छा इसको वो करना पड़ेगा। मैं इजी भाई साहब, ये वाला तो सबसे इजी है। इसमें वो दे रखा है ना मार्क टाइप का, इसका हाथ आएगा ऐसे। राजी का पापा है शायद। छाया से पैदा हुए दो लोग कई लोगों के भाग्य का फैसला करेंगे। बाबा हमारे पूर्वजों की इस बात का मतलब क्या है? मतलब पहली भविष्यवाणी हो रखी थी है, राजी से इतना काम करवाएंगे ये लोग। ये पिपलाद का जन्म है, भगवान शिव का एक रूप। जब पिपलाद छोटा बच्चा था, उसके पिता दधीची ने अपनी हड्डियां बलिदान कर दी थी, जिससे देवता असुरों को हरा सके। ये शिव और सती की शादी है, जिससे सती के पिता दक्ष को बहुत गुस्सा आया। दक्ष ने अपनी बेटी को नीचा दिखाया और शिव का सबके सामने अपमान किया। सती ये सहन नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को आग में झोंक दिया। अश्वत्थामा का जन्म। अश्वत्थामा की कई सालों की तपस्या के बाद हुआ था। उसके माथे पर एक मणि थी जो उसे महान योद्धा बनाती थी। एक बार मैंने पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लिया था,
क्या हुआ ये दाजी, वादियां देख रही है? वादियों का घर उन्होंने जला दिया। गोलू, तुम इतने चालाक हो कि खुद को चोट नहीं पहुंचने दोगे, तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम सुरक्षित रहो। तो ऑब्वियसली उससे काम है तो उसको तो सुरक्षित ही रखेंगे ना वो। आजा आजा आजा, छाती पे कूद जा भाई, सर पे कूद जा मेरे। आजा एक काम कर, बैठ जा मेरे सर के ऊपर। मुझे लगता है उसके लिए ये देखना कठिन होगा, युद्ध अच्छा नहीं होता। इसमें विनाश, मौत, हड्डियां और खून बहता है। ये सुंदर तो नहीं होगा, लेकिन उसे अच्छा नीचे उतरना है। इसमें तो मेरी गलती नहीं, इसमें मेरी गलती थी। यार वो बोल रहे थे, बताओ चुप हो गए। राजी के मरते ही उनका मोरल टूट गया, उम्मीद छोड़ दी उन्होंने राजी से कि डंडी नहीं चढ़ सकती, उसको क्या मारेगी। राजी उल्टा कूदा नहीं था, अब तो उनको पक्का तेरे से भरोसा उठ जाएगा। देखा बोलना भी बंद कर दिया राजी उसने, तो ऐसे मरेगी तो उनका सच्ची में ना भरोसा उठ जाएगा तेरे से। वैसे तेरे पे भरोसा तो करते नहीं है वो। भाई पूरा नीचे उतरना है क्या, एकदम जमीन पे पैर रख दूं अपने? बता दो बताओ, इतने लंबी लंबी जंप कर सकती है? बस इतने ऊपर से नहीं वो कर सकती। आ जा राजी, देखो पूरा जमीन पे पैर टिकवाता हूँ मैं, चल। जंप करना ही पड़ेगा, जमीन पे पैर नहीं रख सकते तुम। हाँ मेरे को लगा था ना इधर कुछ ना कुछ है भाई। देखो कितने सारे अपग्रेड्स मिल रहे हैं, मतलब खत्म होने वाली है गेम ये। अगर मैं यहीं से भी चला जाता ना राइट साइड, तो फिर तो मिलता ही नहीं भाई मुझे। तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं भाई। बड़े बड़े पेड़ दे रखे हैं यहाँ पे, कुछ होने वाला है मेरे को तो लग रहा है भाई साहब। नहीं ये बेचारे लोग, मैं जल्दी क्यों नहीं आ सकी, मैं उन्हें बचा के राजी। तू इसलिए जल्दी नहीं आ सकी क्योंकि तू डंडा नहीं चढ़ पा रही थी, ठीक है? अगर तू डंडा चढ़ जाती ना सही टाइम पर। बचा सकती तू इनको, डंडा से तेज से चढ़ा नहीं जाता, तू इनको बचाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये हत्या किसने की? अपना चेहरा दिखाओ शायद मैं तुम्हें और मासूमों को माफ नहीं दूंगी। भाई एकदम स्पैम करता है। अरे रुक जाता हूँ भाई, स्पैम करने लग रहा है। त्रिशूल पड़ा है भाई सब। राजी शरण करते करते इससे नीचे मत कूद जाइयो। भाई सबको छू दोगे जाके? अब जानबूझ के राजी सबको छुएगी, बचने वाले भी होंगे तब भी मर जाएंगे वो तो। राजी क्या साइड सीन कर रही है तू भी? Yeah.
उसे ये देखने की जरूरत थी। उसे पता होना चाहिए कि महाबालासुर क्या कर सकता है। मुझे माफ कर दो राजी। उसकी खोज अब केवल उसके भाई तक नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए जो इस दुष्टता को सहन कर रहे हैं। भाई सही तो था वो। ये ऐसे है शायद। अच्छा मैं भूल गया था ये वो बनता भी तो है। ये हमने एक और पेड़ बना दिया। रहस्यवादियों का पूरा गांव खतरे में था। ये पहले ही रहस्यवादी थे। ये विजेता किसी भी कीमत पर भी नहीं। जान पहचान के होते, रहस्य में नहीं रहते तो कोई हेल्प भी कर सकता था। ये पहले रहस्य में थे, क्या कर सकते थे। सदियों का इतिहास और ज्ञान नष्ट करेगा। हिप्नोटाइज कर रहा है क्या भाई? रहस्यवादियों के सरदार को पत्र देना पड़ा। उसने ये रहस्य काफी समय तक अपने पास रखा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। सो बाय दोस्तों, सायोनारा।